नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, बात करते हैं राजस्थान की आज की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी खबर की। आपको बता दें कि 14.5 लाख के मकान की बोली लगभग 3 करोड़ के आसपास। जयपुर हाउसिंग बोर्ड 83 गज के मकान का बाजार भाव 30 लाख रुपए से ज्यादा नहीं था, अब बोली लगाने वाले को ढूंढ रहा है बोर्ड। शराब की दुकानों की तरह राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के मकानों की बोली भी करोड़ों तक पहुंचने लगी है। 2 दिन पहले जयपुर के इंदिरा गांधी नगर जगतपुरा योजना के में से निम्न आय वर्ग यानी LIG के मकानों को ई नीलामी के जरिए बेचा गया। करीब 83 वर्ग गज के इस मकान की बेस प्राइस 14,40,300 थी। बोली लगी तो 19 गुना ज्यादा कीमत हो गई। एक व्यक्ति ने 2,42,50,000 रुपए की बोली लगा दी, जबकि इसका बाजार भाव 30 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। अब हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी उस व्यक्ति को ढूंढने में लगे हैं जिसने इतनी बड़ी बोली लगाई है। अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें कि CM गहलोत की तबीयत को लेकर बड़ी खबर। सीने में दर्द के बाद SMS अस्पताल में हुई एंजियोप्लास्टी, ब्लॉक आर्टरी को डॉक्टरों ने किया 24 घंटे ऑपरेशन में रहेंगे CM। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एंजियोप्लास्टी सफलतापूर्वक SMS अस्पताल में हो गई है। उनकी तबीयत में अब सुधार है। मुख्यमंत्री के विशेष अधिकारी लोकेश शर्मा और प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह कांजलीवास ने ट्वीट कर ऑपरेशन सफल रहने की जानकारी दी है। वहीं आपको बता दें कि PM नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है। अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राजस्थान मौसम अलर्ट को लेकर बड़ी खबर। अब राजस्थान में एक बार फिर एक्टिव हो जाएगा मानसून। प्रदेश में सुस्त पड़ा मानसून फिर से सक्रिय होगा और सितंबर के प्रथम सप्ताह तक बारिश का दौर चलेगा। बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल से लगने वाले क्षेत्र के ऊपर एक परिशासन तंत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटे में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे एक बार फिर राजस्थान में मौसम सक्रिय हो जाएगा। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि बारिश का ये सिस्टम सितंबर के प्रथम सप्ताह में भी सक्रिय रहने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। पश्चिमी राजस्थान की बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में 1 से 4 सितंबर के दौरान मेघ गर्जना के साथ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी। अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें कि अब कांग्रेस में सचिन पायलट के दौरों ने गरमाई सियासत। सचिन पायलट टीम आगामी दिनों में पायलट के अलग अलग क्षेत्रों में दौरे करवाने को लेकर रणनीति बना रही है। हालांकि इन दौरों से कांग्रेस विधायकों के एक धड़े ने दूरी बना रखी है। वहीं पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की यही स्थिति है। बताया जा रहा है कि अब दौरे नहरी क्षेत्रों में कराए जा सकते हैं। अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि पंचायत चुनाव दूसरे चरण के लिए आज शाम थम जाएगा चुनावी शोर। 29 अगस्त को होगा मतदान। राजस्थान के 6 जिलों में 29 अगस्त को पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होना है। दूसरे चरण के लिए आज शाम चुनावी शोर थम जाएगा। दूसरे चरण में 6 जिलों में 28 पंचायत समिति के 537 वार्डों के लिए 1,625 उम्मीदवार मैदान में हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि 5 सितंबर से खुल सकते हैं कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल। शिक्षा मंत्री से वार्ता में बनी सहमति। बड़ी खबर बच्चों के स्कूल खुलने को लेकर है। शिक्षा मंत्री से स्कूल शिक्षा परिवार के साथ वार्ता में सहमति बन गई है। वार्ता में शिक्षा मंत्री ने किया आश्वासन, 1 सितंबर से 9 से 12 कक्षा के खोल रहे हैं स्कूल, लेकिन इसके परीक्षण बाद 5 सितंबर से खोल देंगे सभी कक्षा के स्कूल। ये बड़ी खबर आ रही है। स्कूल शिक्षा परिवार ने कहा है कि सभी 11 सूत्री मांगों पर सहमति बन गई है। वहीं अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राज्यपाल ने कोरोना वैक्सीनेशन जन जागरूकता वैन को दिखाई हरी झंडी। नए भारत के लिए आजादी का अमृत महोत्सव आइडिया वॉल पर लिखे सुझाव। 5 संभागों के 200 स्थानों पर 30 दिन होंगे प्रसार। जयपुर में राजभवन से राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश भर में कोविड वैक्सीन के लिए जन जागरूकता फैलाने के लिए मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। ये मोबाइल वैन जयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर संभाग के लगभग 200 स्थानों पर प्रसार और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेगी। वहीं अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि UIDF मंत्री शांति धारीवाल को वसुंधरा राजे पर है पूरा विश्वास। बोले भाजपा में वही है मुख्यमंत्री पद का सबसे बड़ा चेहरा। UIDF मंत्री शांति धारीवाल अलवर में डेरा डाले हुए हैं। शुक्रवार सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान पत्रकारों ने उनसे बात की। कांग्रेस के अंतकलह की बात को लेकर उन्होंने खारिज करते हुए भाजपा के आंतरिक मामलों में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया। एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सिंधिया की तारीफ की है और विरोधी पार्टी का सबसे मजबूत चेहरा करार दिया है। दोस्तों अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि रीट 2021 महिला अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के आयोजन को लेकर बोर्ड द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच बड़ी खबर यह है कि अब महिलाओं के गृह जिले में ही परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाने की तैयारी
रीट विभाग कर रहे हैं। आपको बता दें कि अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के आयोजन को लेकर बोर्ड जोरों पर तैयारी कर रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि प्रदेश के युवा बनेंगे आत्मनिर्भर। बड़ी खबर, सीएम ने की राजस्थान में रिफाइनरी की समीक्षा। प्रदेश के बेरोजगारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इतना ही नहीं, युवाओं को स्वरोजगार का भी अवसर देने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाड़मेर रिफाइनरी परियोजना के तहत कैरियन एनर्जी की ओर से विकसित स्किल डेवलपमेंट सेंटर सहित क्षेत्र में उपलब्ध प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि आयुर्वेदिक चिकित्सक ने दी आसाराम की केरल में उपचार की सलाह। बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम बापू के स्वास्थ्य को लेकर आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर राघवन के हलफनामे का राज्य के आयुर्वेदिक चिकित्सक से स्वतंत्र सत्यापन करवाने को कहा है। ये थी राजस्थान की आज की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम काम की खबरों के साथ। तब तक बने रहिए आपके और अपने चैनल द सुगम के साथ।